अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक। सर्दियों का सीज़न आ गया है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ विंटर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस शेयर कर दी जाएँ, ताकि आप जो प्रोडक्ट बाय करें वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो और आपको सही चीज़ आपको गाइडेंस मिल सके और आप सही जगह पर अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकें। दरअसल ये जॉनसन की बेबी जेली है, बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है, प्रोटेक्ट स्किन बाय लॉकिंग इन मॉइस्चर, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, आपके मॉइस्चर को लॉक करती है। दरअसल ये एक वेजलिन है, जैसे वेजलिन होती है आप कह सकते हैं पेट्रोलियम जेली होती है, क्वालिटी की पेट्रोलियम जेली आपको मार्केट में कई सारी मिल जाती है, मेड इन पाकिस्तान भी होती हैं, जो कि इस तरह ब्लू सील इस तरह की होती हैं, 100 ml की आपको 200 की मेड इन पाकिस्तान में मिल जाती हैं और इम्पोर्टेड थोड़ी क्वालिटी में अच्छी होती है। इनका मॉइस्चर काफ़ी थिक होता है, काफ़ी डेंस होता है, बहुत हाई ड्राइनेस वाले लोग ये यूज़ कर सकते हैं। इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, 50 ml आपको 350-400 की रेंज में मिलती है और ये 100 ml आपको 200-220 तक की रेंज में मिल जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि जॉनसन हमें इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइट वेट होती है, लाइट लाइट सी फ्रेगनेंस होती है और इसकी थिकनेस इतनी हैवी नहीं होती जैसे कि पेट्रोलियम जेली की तरह, लेकिन वेजलिन की तरह, लेकिन इसकी वर्किंग काफ़ी अच्छी होती है। ये होती बनी हुई बेबीज़ के लिए है, इसलिए आप इसको बेबीज़ के, यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप बेबीज़ के रैशेस वगैरह नेपी पे लगा सकते हैं और बेबी को वॉश करने से पहले, मतलब बेबी को बाथिंग से पहले भी आप उसके फेस पे या बॉडी पे मसाज करके फिर वॉश कर सकते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में आफ्टर वॉश अप अप्लाई करें। इससे बच्चों की जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहेगी और उनकी स्किन पर ड्राइनेस की वजह से पैचेस वगैरह नहीं आएंगे, स्किन ड्राइनेस की वजह से इचिंग वगैरह नहीं होगी, ड्राइनेस की वजह से इचिंग नहीं होगी। अब मैं आप लोगों के साथ इसका टेक्सचर शो कर देती हूँ। जॉनसन की ओरिजिनल वेजलिन है, जॉनसन की ओरिजिनल लाइट वेट जेली है, इसे आप पेट्रोलियम जेली या वेजलिन जेली भी कह सकते हैं। 100 ml है जॉनसन वालों की और इसका यहाँ पे इसकी एक्सपायरी वगैरह भी मैंशन होती है, प्राइस इसकी 550 है, आज का आपको ये 550 की रेंज में मिल जाती है। अब हम अप्लाई करके दिखाते हैं। अच्छा, इसको हम किस किस तरीके से अपने बेबीज़ के अलावा अगर हमने अपने खुद के लिए यूज़ करना है तो सर्दी में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है, आप अपने लिप्स पे मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, लिप के लिए बेस्ट है इसके, आपके लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करते हैं। आप कंटिन्यूसली अपने लिप्स को इससे हाइड्रेट रखेंगे तो आपके लिप्स की ब्लैकनेस दूर होगी, एक्स्ट्रा ड्राई नहीं होंगे और उनके मॉइस्चर जो है वो लॉक रहेगा, नेचुरल पिंक लुक देगा। इसके अलावा आप अपनी हील्स पे लगा सकते हैं रात को सोने से पहले, आप सर्दियों में रात को सोने से पहले हाथ पैरों पे से अच्छे से मसाज करके सो जाएं तो आपके हाथ और पाँव की जो ड्राइनेस है वो दूर होगी, आपकी जो क्रैक्ड हील्स हैं उनको रिपेयर करेगा। इसके अलावा जो छोटी बच्चियां होती हैं जो कि इनकी ब्लैक स्किन हो रही है या फिर उनको सन एक्सपोजर हो रहा है या फिर उनकी स्किन टू टोन पर हो रही है, तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है कि बच्चियों को आदत डालें कि जब भी वो फेस वॉश करने जाएँ उससे 5 मिनट पहले ये जेली लगा के, क्योंकि ये बेबीज़ के लिए होती है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये स्पेशली बेबी स्किन के लिए बनाई जाती है। तो बच्चियों को आदत डाला करें कि वो फेस पे मसाज करके सर्कुलर मोशन में अच्छे से अपनी स्किन में अब्जॉर्ब करें, 5-10 मिनट इसे लगा रहने दें, फिर आप किसी अच्छे बेबी सोप से या डव सोप से फेस को वॉश करें तो इनकी स्किन इंतहा सॉफ्ट और नरम रहेगी। इसके बाद आप अपना कोई सा भी बेबी लोशन या कोई सा नॉर्मल रेगुलर लोशन फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये विंटर के हो गए टीनेजर्स के लिए, इसके अलावा जो लड़कियों की एक्स्ट्रा ड्राइन स्किन है वो भी इससे मसाज कर सकते हैं। ये ऑयलिंग का काम भी करता है, आपकी फाइन लाइंस, आपकी टू टोन स्किन, आपकी लूज होती हुई स्किन, आपकी एंटी एजिंग के इफेक्ट्स सब दूर होंगे, इवन कि आपके डार्क आईज, अंडर आईज डार्क सर्कल्स भी दूर होते हैं। आपने सन जेली को लगा के सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करना है, आई एरिया पे, फेस पे, इवन कि आप बॉडी पे भी इसे अच्छे से मसाज करें, आपके कई सारी फेस प्रॉब्लम का हल होगा और आपकी स्किन सर्दियों में ग्लो करेगी, शाइन करेगी और उसके अंदर एक लाइफ आएगी, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है और आपकी स्किन का टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इस मसाज करने के फौरन बाद आप अपने अच्छे फेस वॉश से फेस वॉश कर लें, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी अपने फेस पे, बॉडी पे, लिप्स पे, हील्स पे छोड़ सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके कई सारे फेस प्रॉब्लम को दूर करेगी और सर्दियों में आपके फेस पे ग्लो शाइन लाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।